गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ भारती शर्मा फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी एंड आई एम द क्लास टीचर ऑफ यू के जी। नाउ टूडे आज हम बच्चों आपको स्वर के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले तो हमने सबसे पहले स्वर बताया था, और पुराने बच्चे तो पढ़े होंगे स्वर, और इसमें हमारे ग्रुप में नए बच्चे भी जुड़े हैं जो अभी क्लास स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं। उनके लिए स्वर तो नए हैं, लेकिन पुराने बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगा स्वरों का, और नए बच्चों को याद हो जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे कि स्वर किसे कहते हैं और कितने होते हैं, और उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर सकेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 13, कितने होते हैं 13, और इंग्लिश में इसको 13 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ पढ़िए। स्पीक विद मी। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ ओ अं आ। रिपीट अगेन, पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। चलिए आप भी, आप सभी लोग साथ में पढ़िए। आ इ ई इ ई इ ई उ ऊ रि ए ए ओ ओ अं आ। तो देखिए, तो और स्वर वो होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उन वर्डों को स्वर बोलते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आप जैसे हम लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, बिल्कुल ना इनको बोलने में हम किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं। फिर से पढ़िए, स्पीक करिए। स्पीक विद मी। वन अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ ओ अं आह। आप इसकी प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और डेली आप इसको पढ़िए ताकि आपको स्वर पता चले कि स्वर किसको बोलते हैं, किसे बोलते हैं, और स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ये भी पता चले। और ये मैंने वर्कशीट तैयार की है रिवीजन के लिए, पुराने बच्चों के लिए, तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो ये रिवीजन हो गया, नए स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि आप लोग स्वर के बारे में नहीं जानते थे। स्वर यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ ओ अं आह। तो यहाँ पे स्वर भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने स्वर पढ़ाए आपको, यही आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्डों पर आप गोला बनाना। आप देखिए यहाँ पे स्वर वर्ड है, तो इस पे देखिए हमने आ है, इसमें देखिए इसमें आ है ना, तो ये हमारा स्वर हो गया। अब जैसे छोटी ही है तो ये भी हमारा स्वर हो गया। देखिए इसमें ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, तो इस पे आपको गोला बनाना है। क्या बनाना है? गोला। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस घर पर भी करिएगा, और ताकि आपको पता चले स्वर कितने होते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।